एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो क्लास टेंथ की है। तो क्लास टेंथ का हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4, क्लास टेंथ। टॉपिक नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई पूछे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी आए, 2। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि बेटा इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर है वो 3 आ रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 में अगर आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। फर्स्ट पार्ट, जैसे कि इक्वेशन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए एक्स माइनस 3। अब आप ध्यान दें, हमें ये बताना है, चेक करना है कि वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारा स्टेटमेंट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। अगर आप ध्यान दें बेटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। और अब हमें बता रहे हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप ये वाला फॉर्मूला इस x प्लस 1 के होल स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 के साथ ब्रैकेट है, मीन्स 2 जो है ब्रैकेट वाली टर्म से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? 2x माइनस 6। सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ये 2x प्लस इधर आके माइनस का हो गया और ये माइनस 6 इधर आके प्लस का हो गया। बेटे ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, हमारी वैल्यू क्या आई? x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दें, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, यस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक टाइप और कर लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू से 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा अब हमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। करना क्या है? ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ फॉर्मूला जो होगा वो कौन सा? यूजिंग ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या था? ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पे करेंगे? एक्स प्लस टू के होल क्यूब पे अप्लाई करें। फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू 2x के साथ ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करें 2x का क्यूब माइनस में 2x। सॉल्व करें, एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा? 2 2 4, 2 8, 3 2 6x ब्रैकेट में है x प्लस 2 इज इक्वल टू, दिस इज 2x का क्यूब माइनस में 2x। अब आप ध्यान दें, हमने कुछ नहीं किया, जस्ट a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कि था a क्यूब प्लस b टर्म का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। जैसे हमने सॉल्व करा, 3 2 6x, ये ब्रैकेट वाली टर्म वही, 6x को ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई, 6x को x से करेंगे, 6x का स्क्वायर, 6 2 12x, ये प्लस वाली टर्म इधर आके माइनस की हो गई और माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस की हो गई। सॉल्व करें, ये x क्यूब है, ये माइनस 2x क्यूब है, कितना आएगा? माइनस में x क्यूब।
स्क्वायर में क्या आ रहा है, 6x का स्क्वायर, 12 प्लस 2 14x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। अब वो पूछ रहा है क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर अब कितनी आ रही है, 3। इसके साथ हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप ध्यान दें, बिल्कुल इजी स्टेटमेंट है, मैं आपको स्टेटमेंट भी मेंशन करूंगी। हमारा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमारा क्वेश्चन हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की। ध्यान दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। बच्चे आपको एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो कहता है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हमें नहीं पता उसके ब्रेथ क्या दी हुई है, हम सपोज करके चलते हैं लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी से एक्स मीटर। हम मान के चलते हैं जो लेंथ है, ब्रेथ कितनी है, एक्स मीटर। अब आप ये लाइन ध्यान से पढ़ें, उसने लेंथ के बारे में क्या बोला है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मैंने इक्वल टू, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मीन्स लेंथ इज इक्वल टू वन मोर, मतलब प्लस वन, वन मोर है किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस करके, मीन्स लेंथ कितनी आ गई, 2x प्लस वन। दोबारा देखें, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज लेंथ किसके इक्वल है, वन मोर का मतलब प्लस वन, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। हमें फाइंड आउट करना था रेक्टेंगल का एरिया। अब आप बताएं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इस क्वेश्चन के अंदर एरिया की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमें कितनी, 528, लेंथ कितनी है, दिस इज 2x प्लस 1 इनटू ब्रेथ कितनी दी हुई है आपको x, सॉल्व करें, 528 इज इक्वल टू 2x को x से करेंगे, दिस इज 2x का स्क्वायर प्लस में x, ये 528 बेटा उधर शिफ्ट होगी किसका होगा, माइनस का, माइनस में 528 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दें, अब हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे ओवर हो गया, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है सॉल्व करने का, वो क्या होगा, देखो इक्वेशन है 2x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। आप नॉर्मल मेथड से करें, इस 2 को सबसे पहले 528 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो, 528 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस इज 1056। अब 1056 के फैक्टर्स बनाएंगे आप, सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे 1056 के, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 6 2 4, 2 3 6, 3 11। अब आप फैक्टर्स देखो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, मान लो इतना ब्रेक करके देखते हैं, 11 3 2 6, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, चेक करो और 11 3 33, 2 2 4, 2 8 2 16, 2 32, यस ये बन गया 33 और 32। दोबारा ध्यान दो, 11 3 33, 2 2 4, 2 8 2 16, 2 32, जो फैक्टर्स बने वो क्या बने आपके, 33 एंड 32। जब भी लास्ट में माइनस हो, पहली टर्म प्लस की और दूसरी टर्म माइनस की आती है, फर्स्ट टर्म 33x पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव 32x माइनस में 528 इज इक्वल टू 0। जब भी लास्ट में माइनस हो तो एक टर्म प्लस और एक टर्म माइनस। अब आप इन दोनों में से x कॉमन लो, क्या आएगा, दिस इज 2x प्लस 33, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, देखो 16 कॉमन आएगा, 16 2 32x और प्लस सेम टर्म ही बचती है हमेशा। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा, नेक्स्ट 2x प्लस 33 थ्रू आउट कॉमन आ गया,
बाकी क्या रहा x माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। जैसे आप दोनों टर्म्स को अलग अलग जीरो करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी, इधर से जब हम इसको इक्वल टू जीरो करेंगे x आएगा माइनस 33 बाई टू और यहाँ से x किसके इक्वल आ गया 16। बट अ नेगेटिव वैल्यू है, निगलेक्टेड है, नेगेटिव है, उसको हमने छोड़ दिया तो x 16 कंसिडर करेंगे। ध्यान दें ब्रेथ निकालने के लिए कहा था तो देयरफॉर आपके ना ब्रेथ कितनी आ गई हमारी ब्रैकेट में x किसके इक्वल आ गया 16 मीटर। और लेंथ क्या थी 2x प्लस 1, x की जगह 16 पुट करो 2 इंटू 16 32, 32 प्लस 1 33 मीटर। तो बच्चे आपकी ये लेंथ और ब्रेथ हमने जो फाइंड आउट करनी थी वो हो गई। एक बार दोबारा क्वेश्चन सुने, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल का एरिया ऑलरेडी गिवन है 528, वो कहता है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हमने ब्रेथ सपोज कर ली x मीटर है, लेंथ क्या है वन मोर का मतलब प्लस वन, ब्रेथ का ट्वाइस करके मीन्स टू मल्टीप्लाई x प्लस में वन। आपको पता ही है एरिया किसके इक्वल होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया में हमने एरिया की वैल्यू पुट कर दी, लेंथ है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है x। जब दो टर्म साथ साथ हो मीन्स वो आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। आपने x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा, दिस इज 2x का स्क्वायर प्लस x वन जा x। बेटा अब आप एक बार ध्यान से सुने कि 2x का स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, हमने 2x स्क्वायर पॉजिटिव रहने देना। आपने करना कि ये 528 को इधर शिफ्ट कर लेना, 2x स्क्वायर को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमें फिर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। हमने क्या किया 528 को इधर शिफ्ट कर लिया, इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टर्स बनाने थे, रूल क्या कहता है लास्ट वाली टर्म को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। जब हमने मल्टीप्लाई करा 528 को 2 से कितना आया था 1056। आपने इसके फैक्टर्स बनाए। अब बीच बीच में से ब्रेक करके देखो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें कि 1056 आए, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा था 1056 आया और उन दोनों सॉल्व करेंगे बीच में वन आए। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1056 आए और दोनों को उन दो नंबर्स को सॉल्व करके वन आना चाहिए। हमने बीच बीच में से ब्रेक करके देखा हमारे नंबर बने 33 और 32। अगर 33 में से 32 माइनस करेंगे वन भी आएगा और 33 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1056। रूल कहता है जब लास्ट में माइनस हो बड़ा नंबर प्लस का और छोटा नंबर हमेशा माइनस का आता है। 528 इंटू 2 होता है बच्चे 1056। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आई थी 1056, उसके जो फैक्टर्स बने वो 33 और 32 थे। रूल कहता है जब लास्ट में माइनस हो तो बड़ा नंबर प्लस का और छोटा नंबर माइनस का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा सेम रहते हैं। इन दोनों में से x कॉमन लिया टर्म आई 2x प्लस 33, इन दोनों से माइनस 16 कॉमन आया टर्म आई 2x प्लस 33 इज इक्वल टू जीरो। यही सेम टर्म कॉमन बच के मल्टीप्लाई करके देखो वही आएगा। ये दोनों में सेम था x माइनस 16 जीरो, अलग अलग टर्म्स को जीरो पुट के x की वैल्यू 16 आ गई, नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट कर दी, x 16 मीन्स ब्रेथ 16 आ गई और लेंथ 2 इंटू 16 प्लस 1 विच इज 33 मीटर। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ओवर होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।